स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल इन निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में हमने डील किया था, हमने थ्योरी को देखा था वर्क एंड हीट से रिलेटेड। तो आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वर्क एंड हीट से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ 2 kW इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हीटर इन अ रूम इज टर्न ऑन एंड कैप्ट ऑन फॉर 30 मिनट्स, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द रूम इज। 2 kW का हीटर दिया हुआ, यानी कि पावर कितनी दी हुई है, 2 kW दिया हुआ है और टाइम कितना दिया हुआ है, 30 मिनट्स। तो पावर को यदि टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। और टाइम किस में दिया हुआ है, मिनट्स में, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सीधा सा बहुत ही सीधा क्वेश्चन हो गया। तो जो एनर्जी है, एनर्जी वो किसके बराबर हो गई, पावर को मल्टीप्लाई किया हमने किससे, टाइम से। पावर कितनी है हमारे पास, 2 kW, कितने मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए, सेकंड्स में कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ से हमारे पास सीधा सा आंसर आ गया 3600 kJ। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। तो आंसर हो गया कौन सा, 3600 kJ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थर्मोडायनेमिक वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, थर्मोडायनेमिक जो वर्क है, थर्मोडायनेमिक वर्क डेल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डी वी। डी वी जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो P है वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डी वी का मतलब हो गया चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और P हो गया इंटेंसिव। तो ऑप्शन जो हमारे पास हो गया वो क्या हो गया, चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी का प्रोडक्ट। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया हमारे पास। तो यहाँ से बहुत ईजी सा ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन इज पुलिंग अ बकेट ऑफ वाटर अप टू द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ 6 मीटर हाइट। बिल्डिंग की हाइट दी हुई है हमें 6 मीटर, यानी कि ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। द टोटल वेट ऑफ द रोप इज 20 न्यूटन। रोप का वेट दिया हुआ है 20 न्यूटन। उसके बाद वेट ऑफ द बकेट ऑफ वाटर, बकेट का वेट वो दिया हुआ है हमें कितना, 100 न्यूटन। तो टोटल वेट हो गया 120 न्यूटन, और इस टोटल वेट को कितना मीटर रेज किया जा रहा है, 6 मीटर। तो आंसर कितना हो गया, 120 न्यूटन इंटू 6 मीटर, तो ये हो गया हमारे पास 720। तो यहाँ से आंसर आ गया हमारे पास 720 न्यूटन इंटू मीटर, जो कि कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है। तो आंसर हो गया हमारे पास 720 न्यूटन इंटू मीटर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। अ गैस इज सो एक्सपेंडेड इन अ सिलेंडर दैट इट्स टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वो कौन सी प्रोसेस हो गई, वो आइसोथर्मल प्रोसेस हो गई। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो हम ग्राफ बनाते थे, वो ग्राफ बनता था हमारा पी और वी के बीच, कैसा बनता था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है। तो ऑप्शन आ गया हमारे पास बी, अ हाइपरबोला। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन पे चले। When the gas expand होगी तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो ऑप्शन कौन सा आ गया यहाँ पर, बी। उसके बाद when air expand from initial pressure P1 and volume V1 to final volume 5V1 following the law PVN equals to C। तो greater the value of N, greater the work obtained, smaller the value of N, smaller the work obtained, for N बराबर 0, work obtained is the greatest। तो इसके लिए अगर हम डायग्राम बनाए वापस से, जो हमने डायग्राम बनाया था, जो हमने ग्राफ बनाए थे सभी प्रोसेस को, तो सभी प्रोसेस के लिए अगर मैं देखता हूँ कौन से एक्सपेंड हो रही है, तो एक्सपेंड के केस में जितनी भी प्रोसेस थी उन सभी में मैक्सिमम वर्क कब आया था, जब N बराबर क्या था मेरा, 0। मैक्सिमम वर्क कब आया था, जब N बराबर क्या था, 0, जो कि कौन सी प्रोसेस के लिए था, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए था। तो यहाँ पर मैक्सिमम वर्क डन हमारा आ गया जब N बराबर 0, वर्क ऑप्टेंड इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इंडेक्स इज गिवन बाय। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास PVN इक्वल्स टू C। तो यहाँ से लिखा मैंने P1V1N इक्वल्स टू P2V2N। अब क्या करें, अब इसको क्या करते हैं, हमने लिखा P1 upon P2 इक्वल टू V2 upon V1 इस पूरे की पावर N। दोनों साइड क्या ले लिया, लॉग लिया। तो ये क्या बना, लॉग P1 upon P2, और
ये क्या बनेगा, n log v2 अपॉन v1, ये क्या बनेगा n log v2 अपॉन v1। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, n की। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n इक्वल्स टू n हो जाएगा log p1 अपॉन p2 अपॉन log v2 अपॉन v1, log p1 अपॉन p2 अपॉन log v2 अपॉन v1। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, log p1 अपॉन p2, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, p2 अपॉन p1 v1 अपॉन, हाँ ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग log p2 अपॉन, अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो log p2 अपॉन p1, log p2 अपॉन p1, और v1 v2 अपॉन v1 क्या हो जाएगा, v1 अपॉन v2। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अ क्लोज सिस्टम रिसीव, अच्छा ये जो क्वेश्चंस हैं ये नॉन फ्लो इक्वेशन के ऊपर बेस्ड हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ कि वर्क डन बाय द थर्मोडाइनेमिक्स पे, वर्क डन बाय द सिस्टम उसको हम लेके चलते हैं पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम उसको हम लेके चलते हैं नेगेटिव, हीट गिवन टू द सिस्टम उसको लेके चलते हैं हम पॉजिटिव, हीट गिवन बाय द सिस्टम या रिजेक्ट बाय द सिस्टम उसको लेके चलते हैं हम नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो किस तरह से होंगे, ए क्लोज सिस्टम रिसीव 60 किलो जूल ऑफ हीट, सिस्टम को हीट दी जा रही है, यानी कि डेल क्यू की वैल्यू हो गई 60 किलो जूल प्लस, क्योंकि सिस्टम हीट रिसीव कर रहा है। इंटरनल एनर्जी इज डिक्रीज बाय, इंटरनल एनर्जी है जो डिक्रीज हो रही है 30 किलो जूल से, यानी कि कितना हो गया, -30 किलो जूल हो गया। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो डेल क्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी डेल्टा यू, डेल डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। तो क्यू की वैल्यू है 60 और ये हो गया हमारे पास -30 और ये हो गया डेल डब्ल्यू, तो यहाँ से डेल डब्ल्यू कितना आ गया, 90 किलो जूल। आंसर हमारे पास कितना हो गया, 90 किलो जूल। सेकेंड क्वेश्चन लगभग सिमिलर क्वेश्चन है, इफ द वर्क डन ऑन अ क्लोज सिस्टम, वर्क डन को हो रहा है, वर्क डन हो रहा है यानी कि डेल डब्ल्यू की वैल्यू नेगेटिव हो गई, कितनी हो गई, -20। उसके बाद एंड 40 किलो जूल इज रिजेक्टेड, हीट रिजेक्टेड हो गई, यानी कि ये भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। डेल क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो गया, -40 हो गया ये भी। तो यहाँ पर भी हमें इंटरनल एनर्जी निकालनी है, तो इंटरनल एनर्जी -40 इक्वल्स टू डेल यू -20, तो आंसर आ जाएगा -20 -20 -20, ये हमारे पास आंसर आ गया -20। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम डील करें, तो इन अ हॉट समर डे द एयर इन अ वेल सील्ड रूम इज सर्कुलेटेड बाय अ 0.60 हॉर्स पावर फैन ड्रिवन बाय 70% एफिशिएंट मोटर, द रेट ऑफ एनर्जी सप्लाइड सप्लाई फ्रॉम द फैन मोटर असेंबली टू द रूम इज। अच्छा सबसे पहले तो आंसर जो है मेरा वो सब है किलो जूल पर सेकंड में, यानी कि वो दिया हुआ है मेरे को किलो वॉट में, और जो फैन है उसके लिए जो पावर दी है वो हॉर्स पावर में दी है। तो सबसे पहले तो 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू हो गया 746 वॉट। तो इसको अगर मैं किलो वॉट में बदलूं तो किलो वॉट में कितना हो जाएगा, 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 0.746 किलो वॉट। तो यहां से जो मेरी पावर बन जाएगी, तो 60 हॉर्स पावर को यानी कि फैन की पावर को अगर मैं किलो वॉट में कन्वर्ट करूं तो कितना हो गया, 0.60 इंटू 0.746, ये किस में कन्वर्ट हो गई, किलो वॉट में। तो ये हो गई फैन की पावर किलो वॉट। अब उसके बाद क्या है कि एफिशिएंसी दी हुई है, एफिशिएंसी 70% है, यानी कि कितना हो गया, 0.70। और हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ एनर्जी सप्लाई फ्रॉम द फैन मोटर असेंबली। तो एनर्जी जो सप्लाई होगी वो कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन हो गया, तो फैन की सप्लाई मोटर, तो सप्लाई मोटर जो कर रही है वो किसको कर रही है, फैन को। तो पी फैन अपॉन पी मोटर, तो यहाँ हमें मोटर के लिए निकालना है, तो पी मोटर इक्वल्स टू पी फैन अपॉन 0.70। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 0.639 किलो जूल पर सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.639 किलो जूल पर सेकंड। एक मिनट चेक कर लेते हैं इसको, हाँ 0.6 इंटू 0.746 अपॉन 0.7, तो ये आ गया 0.639 किलो जूल पर सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम। इन अ जनरल कंप्रेशन प्रोसेस 2 किलो जूल ऑफ मैकेनिकल वर्क इज सप्लाई टू 4 किलोग्राम ऑफ फ्लूड एंड
100 जूल ऑफ हीट इज रिजेक्टेड टू द कूलिंग जैकेट, द चेंज इन स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी वुड बी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालना है तो सबसे पहले हीट जो रिजेक्ट हो रही है वो कितनी हो रही है, 800 जूल, 800 जूल हीट रिजेक्ट हो रही है, और 2 किलो जूल ऑफ मैकेनिकल वर्क सप्लाई, 2 किलो जूल, 2 किलो जूल का मतलब हो गया कितना, 2000 जूल, और तो नेट हीट जो बची, नेट हीट बची हमारे पास 1200 माइनस 800 कितना हो गया, सॉरी 2000 माइनस 1200 ये हो गया हमारे पास 1200 हमारे पास हीट जो नेट बची है जो कि इंटरनल एनर्जी हो गई, और ये किसके बराबर होगी, एम, और इसको इसको हमें निकालना है किसमें, पर किलोग्राम में, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 300 जूल पर किलोग्राम, कितना आंसर आ जाएगा, 300 जूल पर किलोग्राम। इसको किया गया हमने कैसे किया, सबसे पहले वर्क जो सप्लाई है वो कितना सप्लाई है, 2000, उसके बाद जो इंटरनल हीट रिजेक्ट हो रही है, हीट रिजेक्ट हो रही है यानी कि कितना हो गया, 800 जूल, तो जो नेट हीट यानी कि नेट इंटरनल एनर्जी जो हमारे पास बच गई वो कितनी बच गई, ये हमारे पास बची 2000 माइनस 800, तो ये हो गई 1200, और हमें पर केजी में निकालना है इसलिए इसको डिवाइड कर दिया किससे, 4 से, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 300 जूल पर किलोग्राम, 300 जूल पर किलोग्राम। नेक्स्ट जो हम लेके चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ अ रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर, रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर के लिए इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेशन फैक्टर की जैसा कि मैंने बात की थी वो फैक्टर जिसको कि यदि इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो किसमें मल्टीप्लाई, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल में, तो डेल्टा क्यू बराबर होता है TdS, डेल्टा क्यू बराबर होता है कितना, TdS, और DS बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/T और डेल्टा क्यू, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि डेल्टा क्यू जो है वो कौन सा फंक्शन होता है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, और DS जो है वो कौन सा होता है, एग्जैक्ट, तो इस इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल को एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसे किससे मल्टीप्लाई किया, 1/T से, तो 1/T यहाँ पर क्या हो गया, इंटीग्रेशन फैक्टर हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1/T। सिमिलरली ये क्वेश्चन हमने किया था वर्क डन में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/P, यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या हो गया, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हो गया, 1/P। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए डील करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ, वर्क डन इज जीरो फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, पीडीवी, डीवी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो जीरो, फ्री एक्सपेंशन में जीरो, थ्रॉटलिंग प्रोसेस में जीरो, तो सभी, इन सभी प्रोसेस में वर्क डन जो है वो कितना होगा, जीरो होगा। उसके बाद चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू द हीट ट्रांसफर्ड इफ द रिवर्सिबल प्रोसेस टेकन प्लेस, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें कि उसको दी गई हीट और एंथैल्पी आपस में बराबर हो, तो वो कौन सी प्रोसेस होती है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होती है, तो आंसर आ गया कांस्टेंट प्रेशर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स गुड फॉर द इक्वेशन, जो नॉन फ्लो इक्वेशन है डेल क्यू, ये डेल में है, डेल क्यू इक्वल्स टू डी ई, डी ई मतलब इंटरनल एनर्जी प्लस डेल डब्ल्यू, ये डेल है दोनों, यहाँ पर ये लिखा है डेल क्यू और ये जो है ये लिखा है डेल डब्ल्यू, तो ये कौन सी कंडीशन के लिए एक्सेप्टेबल होते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन है एनी प्रोसेस अंडरगोन बाय क्लोज स्टेशनरी सिस्टम, एनी प्रोसेस रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, ए क्लोज सिस्टम व्हेन ओनली पीडीवी वर्क इज प्रेजेंट, ओनली रिवर्सिबल प्रोसेस, तो ये जो इक्वेशन है किसी भी तरह की प्रोसेस के लिए वैलिड होती है, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो और किसी भी प्रोसेस से वो जा रही हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस अकरिंग इन अ क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू द हीट ट्रांसफर्ड इफ द प्रोसेस अकर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो जैसा कि हमने पढ़ा था कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में सिस्टम को दी गई हीट इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है, तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारे पास कौन सा, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेडल व्हील यूज फॉर स्टीयरिंग अ लिक्विड कंटेंड इन अ टैंक सप्लाइड 5000 किलो जूल ऑफ द वर्क एंड ड्यूरिंग सप्लाई किया जा रहा है, वर्क सप्लाई किया जा रहा है, तो डेल डब्ल्यू की वैल्यू हो गई -5000 किलो जूल, उसके बाद एंड द ड्यूरिंग द स्टीयरिंग ऑपरेशन द टैंक लॉस्ट हो रहा है, यानी कि डेल क्यू की वैल्यू हो गई कितनी हो गई, -1500 किलो जूल, उसके बाद ऑफ हीट टू द सराउंडिंग इफ द टैंक एंड लिक्विड आर कंसिडर्ड एज अ सिस्टम द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन हो गया, डेल क्यू इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल्टा डेल डब्ल्यू, डेल क्यू की वैल्यू हो गई -15 ये तो लिखा नहीं जाता यार,
माइनस 1500 इक्वल्स टू डेल यू माइनस 5000, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डेल्टा यू की वैल्यू आ गई, ये आ गया 3500 किलो जूल, 3500 किलो जूल। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो ये जो जितने भी हमने क्वेश्चन देखे, इसके बाद हैं और कोई और नहीं, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये जितने भी हमने क्वेश्चंस देखे आज, ये सारे के सारे रिलेटेड थे हीट एंड वर्क। इसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो नॉन फ्लो इक्वेशंस के ऊपर, नॉन फ्लो इक्वेशन जो कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे उसके ऊपर भी बेस्ड थे। तो हमने देखा कि बहुत ही ईजी ईजी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं थ्योरेटिकल होते हैं, थ्योरी पे बेस्ड होते हैं, वन लाइनर होते हैं। यानी कि आपका थ्योरेटिकल पार्ट जितना अच्छा होगा, आपने थ्योरी को जितने अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, तो उतने ज़्यादा ईजी होगा आपको स्कोर करना इस एग्ज़ाम में, स्पेशली एसएससी जेई के एग्जाम में। और न्यूमेरिकल्स भी अगर हमने देखे तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े। एक या दो लाइन में जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं वो ख़त्म हो रहे थे। तो होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ, जैसा कि अभी तक हम पढ़ते हुए हैं, जितना भी हमने पढ़ा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लेके और हीट एंड वर्क तक, हमने सभी के लिए सबसे पहले ब्रीफ में इनकी थ्योरी पढ़ी। हमने बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने किसी भी चीज़ का नहीं पढ़ा, ना हमने कोई डेरिवेशन लिए। उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं अभी तक हमने देखा, हर पिछले तीन चैप्टर्स में हमने जो क्वेश्चन देखे, 12-15 क्वेश्चंस देखे, थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे वो। और उसके बाद जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उससे हम डील करेंगे। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में से, वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट लॉ, यहाँ हीट एनर्जी, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और क्वेश्चंस आगे भी उसी तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल अगर होंगे तो एक लाइन में या दो लाइन में ख़त्म होने वाले न्यूमेरिकल होंगे। तो जो आई होपफुली आपकी जो तैयारियां चल रही हैं एसएससी जेईई के एग्ज़ाम को लेके, वो अपनी पीक पर होंगी। और अभी जो जैसे कि चल रहा है कोरोना वायरस वगैरह का लेके, तो उससे आप थोड़े बहुत डिस्टर्ब हुए होंगे, पर जैसा कि इंजीनियर्स अकेडमी या निम्बस लर्निंग ने आप लोगों के लिए जो फैसिलिटी दी हुई है कि आप लोगों की तैयारियों में लगातार हम साथ में बने हुए हैं, तो आगे भी हम इसी तरह से आपके साथ बने रहेंगे। और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। थैंक यू। इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।